हाय फ्रेंड, वेलकम टू बंगाली रेसिपी विद सोनाली किचन। तो आज के हमारे रेसिपी है बैगन मसाले। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी है, बहुत मज़ेदार है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। पहले हमको चाहिए बैगन जो मैंने पीसेस में काट लिया है। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे मस्टर्ड ऑयल। डाल देते हैं हमारा बैगन, चलाएंगे इसको थोड़ी देर। डालेंगे हल्का सा नमक ताकि हमारा बैगन जो है वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। डालेंगे एक चुटकी हल्दी कलर के लिए और मिक्स करेंगे इसको। दो मिनट इसको हम फ्राई करेंगे। तो हमारे जो बैगन है वो फ्राई हो चुका है। अब इसको हम निकाल लेंगे। हम जो है डालेंगे मस्टर्ड ऑयल। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे एक तेज़पत्ता, साथ में डालेंगे एक सूखी लाल मिर्च, डालेंगे थोड़ा सा जीरा और डालेंगे प्याज, दो मीडियम साइज के प्याज जो मैं स्लाइस में काट लिया था उसको हम डाल देंगे। प्याज को हमने डाल दिया है। अब इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। प्याज हमारा फ्राई हो चुका है। डालेंगे एक चम्मच अदरक लहसुन के पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट हम तब तक भूनेंगे जब तक इसका कच्चापन ना चला जाए। अदरक लहसुन हमारा फ्राई हो चुका है। इसमें हम डाल देंगे अब थोड़ा सा पानी। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी हल्दी और ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच जीरा। ऐड करेंगे एक चम्मच के करीब धनिया पाउडर और साथ ही में हम ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर। आप कितना तीखा खाते हैं उस हिसाब से आप डाल दीजिएगा। हमने डाल दिया है। अब इसको हम थोड़ा सा दो मिनट के लिए भून लेंगे। तो मसाला हमारा भून गया है, दो मिनट हमने इसको फ्राई कर लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे चॉप किया हुआ टमाटर, एक मीडियम साइज का टमाटर है, इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ताकि हमारा जो टमाटर है वो जल्दी से पक जाए। हमारा जो मसाला है वो फ्राई हो चुका है। अब देख सकते हैं तेल जो है ऊपर आ गया है। अब इस टाइम हम क्या करेंगे, हमारे पास है गरम मसाला पाउडर हम यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए अब हम इसी टाइम इसको ऐड करेंगे। ये आधी छोटी चम्मच गरम मसाला है, इसको मिक्स करेंगे। ये तेल के साथ अच्छे से फ्राई भी हो जाएगा तो अच्छा सा खुशबू देने लगेगा ये। तो मसाला जो है हमने अच्छे से भून लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी, जस्ट थोड़ा सा पानी हम इसमें ऐड करेंगे ताकि हमारा जो बैगन है वो पहले से पका हुआ है, इसीलिए हम थोड़ा सा पानी इसमें ऐड किया है क्योंकि हमको जो है ग्रेवी नहीं रखना है ज़्यादा। तो हमारा जो ग्रेवी है वो बन के रेडी हो चुका है, अब देख सकते हैं। तो इसमें अब हम डालेंगे हमारा बैगन, इसको भी हम इसके साथ मिक्स करेंगे। तो इसको जो है हम दो से तीन मिनट के लिए इसको हम कुक करेंगे। तो दो से तीन मिनट हमने इसको कुक कर लिया है, आप देख सकते हैं। और हमारा जो बैगन है वो एकदम गल गया है। तो हमारे जो मसालेदार बैगन है वो बन के एकदम कंप्लीट है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।